बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज फिर हम लोग है ना काइट फाइट करेंगे और है ना असर की नमाज़ के बाद करेंगे काइट फाइट। लेकिन इससे पहले हम लोग है ना पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, और कमेंट्स पढ़ने के बाद आज शुरू में पहले कमेंट्स पढ़ेंगे और कमेंट्स पढ़ने के बाद हम लोग है ना काइट फाइट करेंगे। तो सबसे पहले तो यार हम लोग है ना कोई पतंग ले लेते हैं आज काइट फाइट के लिए। दोस्तों, आज हम लोग है ना काइट फाइट के लिए हम लोग है ना ये पतंग ले चलते हैं, और ये पतंग ले चलेंगे और इससे काइट फाइट करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त हदी है और मैदानी हदी है दोस्तों, ये बेहतरीन बनी हुई है। तो दोस्तों ये देखें, इसकी बनावट देखो कितनी शानदार है और बिल्कुल बेहतरीन पेपर पर है। और ये दोस्तों पिछले साल की हमारी पड़ी हुई है। तो चले आइए दोस्तों, हम लोग है ना कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद है ना हम लोग काइट फाइट की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों शुरू से पढ़ेंगे, हम लोग उल्टा जाएंगे, ठीक है दोस्तों? यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग सीधा जाते हैं। एक मिनट। तो दोस्तों हम लोगों का सबसे पहला कमेंट्स आया हुआ है, और भाई ये बोलते हैं कि भाई है अली सेब, है अली सेब का कमेंट से, वो बोलते हैं कि मैदानी मांझा रेमबो सेंटर में कितने प्राइस का मिलेगा। तो दोस्त ये तकरीबन है ना मैदानी मांझा आपको है ना 2200 से 2500 तक की चरखी मिलेगी। 2000 गज होगा, 444 की होगी, वही लेना, वही ज़बरदस्त है, ठीक है? काशिफ की तरफ से कमेंट्स है, बोलते हैं नासिर भाई जल्दी वीडियो डाल दिया करो। तो यार बिल्कुल सही है, मैं जल्दी वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी डालने की। बाज़ औक़ात काम वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से मसला हो जाता है, तो रुक जाता है काम। अच्छा भाई आसिफ की तरफ से क्या बोलते हैं, आसिफ बोलते हैं नासिर भाई क्या हम 444 खेत से लड़ा सकते हैं? बिल्कुल लड़ा सकते हो, खेत से भी लड़ा सकते हो, ड्रिल से भी लड़ा सकते हो, क्यों नहीं लड़ा सकते? अच्छा गेमिंग वर्ल्ड की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि रमज़ान में तो मैं सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? तो आसिफ राजपूत की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि सर शॉप की वीडियो बनाए जाकर रेमबो सेंटर की, या काइट फाइट छोड़ दें दिखाना। यार अपना आसिफ राजपूत राजपूत को कमेंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ। दोस्त यार मेरी वीडियो ये है ना सिर्फ है ना ये काइट फाइट की वजह से चल रही है, तो इसलिए मैं काइट फाइट कैसे छोड़ दूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी तकरीबन मैंने तकरीबन 15 दिन हो गए, मैंने 8 से 10 वीडियो डाली है रेमबो सेंटर की, और उसको कुछ टाइम भी नहीं है, वही रेट है, सब कुछ वही है। तो आप वो उसको देखें, बिल्कुल लगता है शायद आपने देखी नहीं है। तकरीबन 8 से 10 वीडियो डाली है मैंने रेमबो सेंटर की। आसिफ भाई के ऊपर एक और कमेंट्स आया, वो बोलते हैं कि भाई आपने आप काइट फाइट दिखाते रहे, हम लोग काइट फाइट देखते रहते हैं, और आप अल्लाह दुआ करेगा खुश रखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं करता रहूँगा काइट फाइट, यार काइट फाइट की वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना? मोहम्मद की तरफ से कमेंट से क्या बोलते हैं, यार शामी भाई की दी हुई मैदानी पतंग उड़ाओ। तो बिल्कुल यार मैं उड़ाऊँगा, बिल्कुल उड़ाऊँगा। कमेंट्स है शॉर्ट वीडियोस की तरफ से, ये बोलते हैं कि केमिकल से मांझा कैसे काटे हैं, केमिकल से पतंग कैसे काटे सिखाए। तो इसे बिल्कुल ज़रूर मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दरकार है, मैं ज़रूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। अच्छा आप एक और है जुल्फ़िकार अली की तरफ से कमेंट्स है, बोलते हैं कि भाई आपने मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल यार देखो मैं अभी आपके कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल दिया होगा, शायद आपने सुना नहीं होगा, हो सकता है कोई गलती हो गई है। तो मैं अभी आपका कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ। यूज़र CY4 की तरफ से कमेंट्स है, यूज़र CY4 ID उसकी तरफ से कमेंट्स है, बोलते हैं आप हमसे काइट फाइट करो। तो ठीक है यार मैं बिल्कुल आपके साथ काइट फाइट करूँगा, ठीक है? अच्छा काशान अहमद की तरफ से कमेंट्स है, नासिर भाई आपका नंबर चाहिए मुझे व्हाट्सअप का। तो यार दो काशान भाई मेरा नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप नीचे सबसे आखिर में होगा, लेकिन आप ऐसा करें मैं आपको दोबारा अपना नंबर बता देता हूँ व्हाट्सएप का, 03402078202 90, ठीक है? GW मस्ट फ्रेंड्स की तरफ से कमेंट से, GW मस्ट फ्रेंड बोलते हैं कि यार मुझे मांझा चाहिए, कौन सा लूँ, 444 का 800 का मिल रहा है या 66 का लूँ? तो भाई आप 444 का लो, वो बेहतर है, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद ये वही कमेंट्स दोबारा पूछ लिया, ये भी मैंने बता दिया। और दोस्तों एक और कमेंट से सुमर इकबाल की तरफ से, और ये आखिरी कमेंट से जो थोड़ी देर पहले आया, 56 मिनट पहले आया है, वो बोलते हैं नासिर भाई केमिकल अच्छा होता है या मांझा? तो यार जो ये आखिरी कमेंट्स था, मैं इस कमेंट्स पे काम बात ख़त्म करता हूँ, और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यार सबसे बेहतर होता है मांझा उड़ाने के लिए, जो पतंग काइट फाइट करना जानते हैं, जो चाहते हैं, जो जानते हैं,
जो काइट फाइट कर सकते हैं, जो बिल्कुल वो काइट फाइट करने के लिए एक तो है ना उड़ाना होता है और लड़ाना होता है, जैसे जैसे ऐसे नहीं बिल्कुल लड़ाओ और ऐसी लड़ाओ कि आप आपकी नहीं कटे, वो उसके लिए सिर्फ है ना मांझा चाहिए होता है और उससे मांझे से सीखना होता है लड़ाना। तो केमिकल से तो हर कोई लड़ा लेता है, सीधा सीधा डील देते और डील दो लड़ाओ, अगर किसी की भी कर सकती है कुछ पता नहीं, इसमें कोई फंकारी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि इसमें सबसे बेहतर है मांझा होता है, मांझे में आप है ना दाव पेश कर सकते हो, केमिकल में नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों यह मेरे कमेंट्स खत्म हो गए, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, और जल्द से जल्द चलेंगे और है ना हम लोग है ना काइट फाइट की तैयारी करते हैं, फिर हम फिर तैयारी करते हैं और पहले नमाज पढ़ेंगे असर की नमाज के बाद, और फिर काइट फाइट की तैयारी करते चले आइए दोस्तों। फिर असर की नमाज के बाद हम लोग है ना काइट फाइट करने आ चुके हैं, और दोस्तों बस यार अब हम लोग काइट फाइट शुरू करेंगे। आज जुमे का दिन है दोस्तों, और कल तो बहुत मज़ा आया काइट फाइट करने में, और बहुत सारे कमेंट्स भी पड़े, बहुत मज़ा आया दोस्तों। इसी तरीके से कमेंट्स करते रहे, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग है ना आज ज़्यादा बात नहीं करते, आज जल्द से जल्द है ना काइट फाइट शुरू करते हैं। आज हवा बहुत तेज़ है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, और चले आइए हम लोग है ना काइट फाइट शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज काइट फाइट में क्या होता है, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आज दोस्तों हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम लोग दोस्तों तेज हवा वाले कन्ने बांध रहे। देखो दोस्तों आज तेज हवा वाले कन्ने बांधेंगे, और तेज हवा वाले कन्ने में ये जगह थोड़ी छोटी होती है, तकरीबन एक बालिश जितनी बांध रहे हैं, और ये तेज हवा वाले कन्ने बन रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों इसमें ये खूबी होगी कि इंशाल्लाह पतंग बहुत ज़बरदस्त उड़ेगी। तो दोस्तों ये देखें, और दोस्तों ये है हमारी हद्दी, हद्दी बड़ी शानदार है यार, ये पिछले साल की हमारी हद्दी है, बहुत खूबसूरत है, जो मैंने अभी कमेंट्स में भी आपको बताई थी अभी। तो चले आइए दोस्तों अब हम लोग इसके ना कन्ने बांधते हैं और काट फाट शुरू करते हैं आज। चले दोस्तों अब हम लोग यार काइट फाइट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है, चले आइए। तो चले आइए दोस्तों हम लोग काइट फाइट शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह आज देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आज आज सूरज की रोशनी बहुत तेज है, पहले तो हम लोग चश्मा पहन लेते हैं। हाँ जबरदस्त, तो दोस्तों चले आइए फिर काइट फाइट शुरू करते हैं आज। काइट फाइट शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उंगली में टेप लगाते हैं, उंगली में तो उंगली में टेप लगाने के लिए हम लोगों ने यार एक चीज़ और ली है, बहुत सस्ती पड़ रही है, दूसरी टेप है तो बहुत महंगी पड़ती है। ये दोस्तों सनी प्लस टेप ली है, लेकिन कंपनी दूसरी है कोई, ये देखें ये बहुत शानदार टेप है, और इसके ऊपर है ना हम लोग है ना मान जैसे कट लगने के बचने के लिए हम लोग ये वाली टेप लगा दिया। और दोस्तों ये इसलिए लगा रहा हूँ, सनी प्लास तो प्लास्टिक की आती है, ये देखें ये मैं जो लगा रहा हूँ ना दोस्तों ये कपड़े की है, और ये कपड़े की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ एक बार लगा के। तो एक इधर लगा देते दोस्तों, एक इधर लगा देते, बहुत सस्ती पड़ती है, पूरा पैकेट लेंगे होलसेल में तो फ़ायदा होगा, सस्ती पड़ेगी और ये बेहतर है। ये देखें बहुत शानदार है यार ये, तो ये देखें कैसी शानदार लग गई है। दोस्तों इतनी सारी टेपें में जो पट्टी है मैंने निकाल ली है और हाथ में लगा भी लिया, अब देखते हैं। ये देखें ये ले दोस्तों, अब बस तैयार हो गए हम लोग काइट फाइट के लिए। अब दोस्तों चले आइए हम लोग है ना उसके कंधे बांधते हैं, मांझा बांधते हैं और डायरेक्ट उठाते हैं, चेक नहीं करते, इंशाल्लाह सही होगी, अगर कोई भी थोड़ा बहुत 19-20 होगी तो उसको उतार के सही कर देंगे। चले आइए,
तो दोस्तों हम लोग अपनी पतंग बढ़ा रहे हैं भाई, देखते हैं उसको खिंचाई मार के चेक करेंगे कैसी उड़ रही है। अभी तो बहुत घूमती भी नजर आ रही है। ओए होए होए, ओए अच्छी उड़ रही है दोस्तों, एक साइड झुक रही है दोस्तों, उसको थोड़ा सही करते आ जाए। तो दोस्तों यार हम लोगों ने पतंग चेक कर लिए, तैयार भी कर लिए, बहुत अच्छी हो गई है, देखे खिंचाई मार के भी दिखा रहे हैं। और दोस्तों और चले आइए, वो सामने पेज चलाने आ गया, उसे लगाते आ जाए। तो वो दोस्तों एक पेज काट दिया, देखे वो जा रहा है गुटा, दोस्तों लग्गू जा रहा है, बहुत बेहतरीन किस्म का देखा आपने दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों ने पहला पेज काटा, देखा आपने दोस्तों, बहुत मजा आया पेज काटने में, काइट फाइट करने में। तो दोस्तों अब दोस्तों अब हम लोग है ना यार थोड़ा, जब तक कोई नहीं आता तब तक हम लोग है ना वीडियो को रोकते हैं और फिर उसके बाद है ना काइट फाइट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चले आइए यार, एक पेज लगाते हैं, और एक पेज लगाने वाला आ गया, तो देखते हैं लड़ा के क्या होता है। दोस्तों एक पेज काटा, देखें ये मैं इसको कोशिश करते हैं लिपटाने की भी, चलें। तो दोस्तों ये पेज काट दिया हम लोगों ने और पतंग भी लिपटाने की कोशिश की, लेकिन पतंग निकल गई दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने दो पेच काट दिए, दो पेच, और यार बड़ा शानदार, बड़ी शानदार काइट फाइट हो रही है। और जल्द से जल्द यार एक और लड़ाने आ गया, उससे लड़ाते आ जाए। तो दोस्तों चले आइए दोस्तों, एक पेज चढ़ाते, एक पेज चढ़ाने वाला आ गया, आइए इसे लड़ाते, देखते क्या होता है। अरे यार फट गई। तो दोस्तों यार हमारी पतंग फट चुकी है, देखें, और आपके सामने ये देखे दोस्तों हमारी पतंग फट चुकी है, इसको उतार रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हमारी पतंग फट चुकी है, हम लोग इसको उतारते हैं, और उतारने के बाद फिर काइट फाइट करते हैं, सही है। तो दोस्तों हमारी पतंग फट चुकी है, अब हम लोग है ना ये वाली पतंग उड़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हमारी कल वाली पतंग है जो इतने सारे पेच काट के आई थी, तो आइए इसको उड़ाते हैं। तो दोस्तों बस यार अब मगरिब का टाइम हो गया है, और सूरज भी है ना उतर रहा है, सूरज भी घिर गया है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो दिखा दो सूरज को, सूरज देखो दोस्तों बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, घिर चुका है। तब दोस्तों अब हम लोग है ना अपनी वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों, और आज हवा का रुख चेंज होने की वजह से सिर्फ दो पेज काटे हम लोगों ने, तो ठीक है दोस्तों। बस यार अब हम लोग अपनी काइट फाइट खत्म करते हैं, और यार दोस्तों मेरी काइट फाइट देखते रहना, और फिर बस सब दोस्तों मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों, मैं वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।